सवाल करें। पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा, बोलिए क्या कहना चाहेंगे, आज कितनी खुशी मिल रही है, काफी लोग आए, आपके दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, मीडिया, इतने लोग हैं। मुझे इतना अच्छा लगा, सब लोग मिले और मुझे सच में बताऊँ ना, मुझे 31 का कुछ नहीं, 31 हर साल आए, हर टाइम आए, सब लोग इतने अच्छे से इंजॉय करते हैं। लेकिन पता है क्या, सबसे बड़ा फीलिंग और दिल के रिलेशन सबसे अच्छे होते हैं। दुनिया में 31 मनाए, लोग मनाते हैं, इंजॉय कर लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दिल का रिश्ता हमेशा जिंदा रहता है। बस मेरा इतनी ख्वाहिश है, सब लोगों को, सबको आशीर्वाद मिले, सबकी ज़िंदगी खुशी हो और ये नए साल में सबका अच्छा ही अच्छा हो। वेल डन, गुड। मेरा नाम आशीष है और मैं सुनीता का अच्छा दोस्त हूँ। तो क्या करना चाहेंगे, कैसा लग रहा है यहाँ आके? नहीं, यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और बहुत दिनों बाद में सबसे मुलाकात हो रही है। तो सब लोगों ने आज डिसाइड किया कि सब लोग मिलकर 31 साथ में मनाएंगे। और कुछ अपने बारे में बताइए, क्या करेंगे? बस अभी मैं एक सॉन्ग करने जा रहा हूँ और हिंदी सॉन्ग है, तो नेक्स्ट मंथ में शूटिंग चालू होगा उत्तराखंड में। क्या करते हैं आप, हाँ, ऑर्गेनाइज करते हैं फैशन शो वगैरह, बताइए क्या क्या हैं? मेरा नाम सोनू है और मैं फैशन शो ऑर्गेनाइज करता हूँ, एज ए डायरेक्टर भी काम करता हूँ। कुछ सॉन्ग्स मैंने डायरेक्ट किए हैं, 3 सॉन्ग ऑलमोस्ट मेरे डायरेक्ट हो चुके हैं, 2 आ चुके हैं यूट्यूब पर। मेरा स्पीड इंडिया एंटरटेनमेंट खुद का चैनल है। और सुनीता जी से आज मेरी फर्स्ट मुलाकात है, क्योंकि मैं आशीष का फ्रेंड हूँ, तो इसने बोला मुझे कि एक पार्टी है मेरी फ्रेंड की यहाँ पे और हम लोग मिलकर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मैंने चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। तो यहाँ के काफ़ी अच्छा लगा, सुनीता जी जो है बहुत डाउन टू अर्थ हैं और काफ़ी अच्छा काम किया इन्होंने, सीरियल्स वगैरह किए हैं काफ़ी सारे। तो आशीष हमेशा जिक्र करता था इनका कि बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी, तो मैं चल ठीक है मैं मिलना चाहूँगा। तो बस यहाँ पर आया, केक कटिंग किया हम लोगों ने और नया साल आ रहा है तो नए लोग मिले, काफ़ी लोग। बबलू जी आए थे डायरेक्टर, उनके साथ मैंने काम कर रखा ऑलरेडी, तो उनका नंबर लॉस हो गया था, तो इस बहाने मतलब उनसे हाई लो भी गया, नंबर ही ले लिया और आगे कुछ नए काम का प्लान कर रहे हैं हम लोग। और नया साल आया है और सब लोग एंजॉय करो और नए साल में कुछ नए प्लानिंग करो, नया काम लेके आओ, बस यही कहना चाहूँगा। हैप्पी न्यू ईयर, सब लोग खुशी से नया साल मनाओ। जो भी किसी से लड़ाई बड़ाई हो रखी है तो उसको आप गले मिलके बैंड बजा दो, बैंड कर दो, कोई बात नहीं। लड़ाई, रिश्ते, नाते कुछ कुछ होते ऐसे होते हैं कि कभी कभी ना, अभी आप मीडिया वाले हो, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ टचअप ऐसा होता है, गलत हो जाता है, इंटरव्यूस हो जाता है, लेकिन उन चीज़ों को भूल जाना चाहिए, प्यार से भूल जाना चाहिए और प्यार से नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। नया साल है, नई शुरुआत, नई शुरुआत, नई जिंदगी। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, नई जिंदगी की नई शुरुआत, हैप्पी न्यू ईयर, खुशहाल जिंदगी।